Lopez, and Doby finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. That's huge. That is a piggy. It's out of here. चौका में आपका फिर से स्वागत है. मैं हूं एस कनन और मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे एक्सपर्ट चेतन शर्मा. मुस्कुराते हुए चेतन शर्मा, एक नया लुक. कल तक दाढ़ी रखी थी, कहीं ऐसा तो नहीं चेतन कोई बैट वेट हार गए, बाल नहीं मुंडवाने पड़े, कहीं दाढ़ी तो नहीं मुंडवानी पड़ गई कल की शानदार आरसीबी जीत के बाद? सर बैटिंग का तो ऐसा है कि कल मुझे लगता है कि सुपर ओवर के बाद जो सुपर क्या नाम है मौके सबको मिल रहे हैं, और सुपर मौके पे सब सुपर चौके नहीं सिर्फ सुपर छक्के भी लगा रहे हैं, उसने सबके ही लुक चेंज कर दिए होंगे. सर आप बताएं सर कि किस तरीके का लगा मैच ये कल का? मैच तो बहुत ही रोमांचक था, बट एक बात से मैं खुश नहीं हूं कि सिर्फ एक टीम जीत पाई. जो क्रिकेट हमने देखने को मिला कि फर्स्ट टाइम की 200 के ऊपर चेस किया जा रहा है और इट इज गोइंग टू अ सुपर ओवर. मतलब हमने इससे पहले 195 तक का देखा है एंड देन द मैच गोइंग टू सुपर ओवर, बट यहाँ पे यू आर चेसिंग ओवर 200 एंड यू टाई, फिर सुपर ओवर हो रहा है. इसमें होता क्या है, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द लास्ट, एक जिसको कहते हैं एक रशियन रूले कह लीजिए या एक टॉस ऑफ कॉइन, सिक्के को आप उछाल रहे हैं, हेड या टेल, उस तरह से कोई भी टीम जीत सकती है. इसलिए इसमें होता क्या है कि यू डोंट नो, पूरा जो मैच का इंटेंसिटी था सिर्फ एक एक ओवर में तय हो रहा है, और मैं समझता हूं ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है. आई एम श्योर लॉट ऑफ व्यूअर्स विल ऑल्सो एग्री, लॉट ऑफ क्रिकेट फैंस विल एग्री कि सुपर ओवर देखने के लिए तो अच्छा लग रहा है, लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, लोगों का गुस्सा भी आता है, शायद दो चार टीवी सेट भी टूटते होंगे, बट मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन दैट इट इज नॉट द बेस्ट रिजल्ट. अगर मुंबई जीतती तो शायद मुझे अच्छा लगता, किसी और को शायद आरसीबी जीत तो अच्छा लगता, बट ये सुपर ओवर जो है ना बहुत ही कंफ्यूजिंग है. बट यस इट इज अ सुपर मॉर्निंग, ब्राइट सनशाइन इन इंडिया ऑल्सो, ब्राइट सनशाइन इन यूएई ऑल्सो. तो आई थिंक कल रात को जो मैच होने के बाद, दर्शक तो है नहीं उधर फील्ड में, दोनों टीम गए होंगे थके हुए जरूर, शायद आरसीबी खुश और मुंबई इंडियंस सोचते हुए कि क्या गलती करी, ऐसा क्या चीज रह गया जिसके वजह से हम मैच हार गए. तो सर ये और जब और स्पोर्ट्स में भी ऐसा होता है सुपर ओवर वाला, जैसे हमने पेनल्टी सॉरी शूट आउट देखा है या कुछ देखा है, तो उसमें सर क्या ये एक आपको लगता है कि ये डिसीजन जो आता है सुपर ओवर का ये जस्टिफाई करता है पूरी गेम को? देखिए बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता. मैं समझता हूँ कि अगर आपने जैसे जिक्र किया है, आप यू टेक फुटबॉल, वेदर इट इज लीग फुटबॉल और यू टेक व्हेन यू आर प्लेइंग वर्ल्ड कप और यू टेक हॉकी, चाहे वो एशियन गेम्स हो, चाहे ओलंपिक गेम्स हो, चाहे इवन नॉर्मल क्लब टूर्नामेंट हो, दो टीमें जब अच्छा खेलती हैं हॉकी या फुटबॉल, उसके बाद टाई हो जाती है. पहले तो एक्स्ट्रा टाइम भी होता था, आजकल तो सीधा शूट आउट ही होता था, हो जाता है उसमें. द प्रॉब्लम इज जो मैच जहां पे प्लेयरों ने अपने जान लगाई है, पसीना बहाया है, उसके बाद अगर उनकी टीम हार जाती है बड़ा बुरा लगता है. तो आई थिंक क्रिकेट का भी यही हाल है. लाइक इफ यू टेक इन अ ग्रैंड स्लैम बेस्ट ऑफ फाइव सेट्स का एक अगर सिंगल्स मैच हो रहा है, आप देखेंगे इट हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट कॉन्टेस्ट, बट फाइनली एक जो प्लेयर है जो अगर 6'3" का है वो 190, 200, 210 तक का सर्व मारता है और वो टाई ब्रेकर में पॉइंट्स निकाल लेता है, उस तरह का मैच हो जाता है एंड ही विंस. इट मे बी नेसेसरी दैट ही हैड नॉट प्लेड द बेस्ट टेनिस थ्रू दोस फाइव सेट्स, बट टाई ब्रेक में अच्छा खेल गया. तो मैं समझता हूँ कल की डेट में भी, कल के मैच में भी जो आरसीबी था स्लाइटली लकी, बिकॉज माय हार्ट गोज आउट टू ईशान किशन, ही प्लेड अ ब्यूटीफुल इनिंग्स. और मैं समझता हूँ कि ईशान किशन शायद अगर सुपर ओवर में भी खेलते इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट कोर्स फॉर मुंबई इंडियंस. बिल्कुल सर, ईशान किशन तो बहुत अच्छा खेले, लेकिन साथ में दोनों कप्तान फ्लॉप हुए हैं सर, उधर रोहित शर्मा फ्लॉप हुए हैं तो इधर विराट कोहली फ्लॉप हुए हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे सर? बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि विराट कोहली इज वेरी लकी बिकॉज उनकी टीम जीत गई है. अगर टीम हारती तो प्रेशर और बन जाता. लास्ट ईयर हमने देखा आरसीबी का प्रदर्शन इतना खराब था, बल्कि इसको तो घटिया ही कहना पड़ेगा. तो इस साल दे हैव अवॉइडेड इट यस्टरडे. वहां पे रोहित शर्मा पंडित जी के बारे में देखे, ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं पेट निकल गया, क्या ये वही रोहित शर्मा है जिन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग करी लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में?
ये लॉकडाउन के बाद जो रिटर्न हुआ है क्रिकेट में, मैं समझता हूं कि जो यंगर प्लेयर्स है, जो ज्यादा फिट प्लेयर्स हैं, जिनके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं है, दे आर परफॉर्मिंग वेल, वेदर इट इज द लेग स्पिनर्स और प्लेयर्स लाइक पाडिकल, लाइक ईशान किशन, लॉट ऑफ देम, दे आर शोइंग दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड। अभी इस वक्त अगर आप कल के मैच के आधार पर देखें तो मुझे लग रहा है विराट कोहली 100% मैच फिट नहीं लग रहे हैं और रोहित शर्मा भी। हालांकि सॉरी सुपर ओवर में इट वाज अ डिफरेंट विराट कोहली वी सॉ, बट इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। दोनों कप्तानों को दिखाना पड़ेगा कि वो फॉर्म में है, और अगर वो फॉर्म में है तो उसको जल्दी दिखाएं, क्योंकि आगने वाले समय में जितने मैचेस होंगे दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी टफर। सर, सुपर ओवर की अगर हम बात करें तो मुझे दोनों बॉलर जो है हमारे क्या कहते हैं जसप्रीत बुमराह है, और उधर से नवदीप सैनी ने जो बॉलिंग करी है बहुत कसी हुई बॉलिंग करी। दोनों ने अपने 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 ओपोनेंट, उनके अच्छे अच्छे बॉलर बैट्समैन थे, उधर पोलार्ड और हार्दिक पांड्या थे तो इधर एबी डिविलियर्स और विराट कोहली थे, तो उन दोनों के साथ सर 7 रन का कॉन्टेस्ट वो आखिरी बॉल तक गया है। तो मुझे लगता है कि सर ये एक अच्छी अच्छी क्या नाम है हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि बॉलर्स ने सुपर ओवर में मैच फंसाया है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? तो बिल्कुल, बॉलर्स का तो कोई रोल कभी हाईलाइट ही नहीं होता। अगर आप देखें पहले इवन इन ओडीआई इट वाज ऑल बैट्समैन सेंट्रिक, अब T20 फॉर्मेट जब से आया है बॉलरों को उतना मिलता नहीं है रिवॉर्ड या अवार्ड या मैन ऑफ द मैच। और हमने इसी टूर्नामेंट में देखा है कि लेग स्पिनर्स हैव बोल्ड रियली वेल, पार्ट टाइम लेग स्पिनर्स ने भी अच्छा किया है, चाहे चहल है या आज का मैच है दिल्ली कैपिटल्स का अमित मिश्रा है, तो बॉलरों को क्रेडिट नहीं मिलती। आपने कई बॉलरों का जिक्र किया बट आपने वॉशिंगटन सुंदर का जिक्र नहीं किया। अगर बिल्कुल आप उनका स्टैट्स देखेंगे स्कोर बोर्ड में, ही आल्सो बोल्ड एक्सीडिंगली वेल। बॉलरों का भी एक बड़ा रोल है, ये नहीं कि हमेशा ही बैट्समैन जिताते हैं, और सुपर ओवर में अगर आप लूज बॉल डालेंगे जरूर पिटेंगे। एंड आई थिंक मुंबई इंडियंस मिस्ड ईशान किशन इन द सुपर ओवर। बाद में पता लगा कि वो पसीना इतना निकल चुका था, थक चुके थे, उनके टांगों में जान नहीं थी, क्योंकि वो एक आखिरी ओवर में आपने पूरा अपना बेस्ट एफर्ट लगाना है और ही वॉज नॉट रेडी फॉर इट, दिस इज वॉट रोहित शर्मा टोल्ड अस। बट ईशान किशन ने कल दिल जीत लिया, और मैं देख रहा था उनके बारे में ये प्लेयर कहाँ के हैं, 22 वर्षीय युवा खिलाड़ी, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा इनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी। ही इज फ्रॉम बिहार बट ही मूव टू झारखंड, मॉडल्ड हिमसेल्फ ऑन धोनी एंड मॉडल्ड हिमसेल्फ ऑन राहुल द्रविड़। और मैं समझता हूँ कि ईशान किशन कल हेडलाइंस ग्रैब कर रहे थे बट बिकॉज हिज टीम लॉस्ट ही डिड नॉट मेक इट टू द हेडलाइन। बट इफ आई वॉज इन द न्यूज़पेपर न्यूज़ रूम लास्ट नाइट विद यू, आई वुड हैव डेफिनेटली हाईलाइटेड 99 वाला नॉक जो है, इट वॉज आउटस्टैंडिंग। उन्होंने अस्त्र शस्त्र जो कुछ है कल सब कुछ दिखा दिया। बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त खेले हैं, 99 तक पहुंचाया अपनी टीम को, टाई करवाने में पूरी मदद करी है और ये डिजर्व करते हैं। मुझे लगता है ये ऐसे बैट्समैन होते हैं जो डिजर्व करते हैं कि उनकी टीम जीते, क्योंकि इस अंडर प्रेशर इतना इतना स्कोर करना और ऐसे खेलना इतने ऐसे वेदर में, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। सर उसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज आपकी और मेरी फेवरेट टीम का मैच है दिल्ली कैपिटल्स और हैदराबाद का, तो सर क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? देखिए फेवरेट टीम तो है दिल्ली कैपिटल्स, अब ऑब्वियसली हम दिल्ली में रहते हैं, यू हैव टू चेयर योर सिटी, इट्स अ मिक्सचर। इसमें कप्तान बॉम्बे के हैं, कोई कहाँ का है, अमित मिश्रा इज फ्रॉम आउटसाइड, रिकी पॉन्टिंग इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यही है ब्यूटी ऑफ क्लब क्रिकेट, आप देखें कि आपके लॉयल्टीज जो हैं डिवाइड हो जाती हैं, आपकी लॉयल्टीज सिटी के साथ रहनी चाहिए। और मैं समझता हूँ दिल्ली कैपिटल्स की जो परफॉर्मेंस रही है, पिछले साल उनका रीनेम सेरेमनी हुआ था दिल्ली डेयरडेविल्स से दिल्ली कैपिटल्स हुआ, पिछले साल दे डिडंट डू वेरी वेल बट दिस ईयर दो मैच जीते हैं। आई थिंक डेफिनेटली दे आर द फेवरेट्स अगेंस्ट डेविड वार्नर सनराइजर हैदराबाद। अगेन जैसे हमने कल बात किया, इस आईपीएल में आपको खुल के क्रिकेट खेलना पड़ेगा, चाहे वो बॉलिंग है, चाहे वो फील्डिंग है, चाहे वो हेवी आर्टिलरी बैटिंग है, चौका छक्का, तो दैट इज गोइंग टू डिसाइड द कोर्स ऑफ द कॉन्टेस्ट कि कौन सी टीम खुल के खेलती है। दिल्ली कैपिटल्स हैज द एडवांटेज। मुझे लगता है कि सर बिल्कुल खुल करके खेलती है या कैसे करती है ये तो देखने वाली बात होगी,
क्योंकि शायद हमारी बात सुन ली कल टीम्स ने और वो बहुत खुल करके खेले हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का मैच भी खुल करके खेला जाए। सर पृथ्वी शॉ के बारे में कुछ मैं सुनना चाहूंगा आपसे कि पिछला मैच अच्छा खेल करके आए हैं, तो इस बार कितनी उम्मीद है सर इस मैच में? देखिए पृथ्वी शॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इज प्लेइंग ऑन द टॉप ऑफ द ऑर्डर, और जैसे उस दिन मैंने मेंशन किया स्लो क्रिकेट, इज प्लेइंग क्रिकेट जिसमें कि आपको अच्छी टेक्निक मिल रही है, कई शॉट्स जो लगाते हैं ऑफ साइड में ही प्लेज अलोंग द कार्पेट, और ऐसा नहीं कि हर एक बैट्समैन को अर्धा तिरछा बल्ला ही मारने की जरूरत है, तो ये एक तरफ से एक टूरिस्ट है जिन्होंने अडैप्ट किया अपने आप को, जैसे कि हमने देखा है पहले जब आजकल तो उनको टीम के बाहर बिठाया गया है, सो ही इज नॉट गेटिंग टू प्ले, और वहां पे आप देखें कि अ प्लेयर लाइक क्रिस गेल उनको भी खेलने को नहीं मिल रहा, ही हैज नॉट बीन प्लेड टिल नाउ, तो पृथ्वी शॉ हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, उनको मालूम है कि उनके कंधों पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है और उन्होंने अच्छा शोल्डर किया है, मैं समझता हूँ कि आज भी वो शोल्डर करेंगे अच्छी तरह से इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को। आई वॉन्ट टू टेक योर अटेंशन कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली कैपिटल्स का हुआ था, जहां पे अमित मिश्रा ने काफी सारी चीजें बताई श्रेयस अय्यर के कैप्टनसी के बारे में, रिकी पॉन्टिंग कोच के बारे में, इससे लगता है कि दिल्ली कैपिटल जो टीम है बिल्कुल एक कंबाइंड यूनिट है और यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं है, मिलके खेल रहे हैं, और जो कप्तान खुद है बिल्कुल ही कूल कैप्टन है, यंग मैच्योर कैप्टन है, और आई थिंक श्रेयस अय्यर डिजर्व्स लॉट ऑफ क्रेडिट, क्या कहेंगे चेतन? बिल्कुल सर, मुझे भी यही लगता है कि श्रेयस अय्यर एक आने वाले, मैं उनके अंदर एक इंडिया का कैप्टन भी देखता हूं। साथ ही साथ सर मुझे ये लगता है कि अमित मिश्रा का जो कल प्रेस एक हमने स्टेटमेंट सुनी कि उन्होंने बताया कि वो हर एक टीम से किसी भी टीम को लाइटली नहीं लेंगे और एक अच्छा मैच खेलने की कोशिश करेंगे, तो सर सेकेंड क्या नाम है हाईएस्ट विकेट टेकर है अभी इस टाइम पे अमित मिश्रा हमारे आईपीएल में, तो ये जब सीनियर प्लेयर्स साथ में जुड़ते हैं तो एक यंग जो श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन, मुझे लगता है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके लिए रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, काफी प्रतिभाशाली प्लेयर्स उनकी टीम में है। साथ ही साथ सर मैं इसके साथ जोड़ना चाहूंगा कि हैदराबाद में डेविड वार्नर और उसकी टीम सर जीत के लिए भूखी है इस टाइम, अभी तक एक भी मैच नहीं जीते हैं, तो मुझे लगता है कि सर आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए जो फॉर्मेट है आईपीएल का, इट्स अ वेरी लॉन्ग फॉर्मेट, पहले भी देखा है 2 साल पहले 3 साल पहले जो टीम प्रदर्शन अच्छा करती है दे हैव लॉस्ट मोमेंटम, मैं समझता हूँ कि डेविड वार्नर जैसे कप्तान वो अपना नेचुरल गेम खेलें और अपने प्लेयर्स को मोटिवेट करें, दे कैन डेफिनेटली डू वेल। आई एम मोर इंटरेस्टेड इन सीइंग कि किस तरह का चेंजेस करते हैं वो अपने टीम में, बिकॉज कोई चर्चा हो रहा है कि एक आध प्लेयर को चेंज करना पड़ेगा इस कॉन्टेस्ट के लिए, सबको मालूम है कि ये विकेट जो है चाहे वो दुबई है या अबू धाबी है विकेट्स आर स्लो, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है बॉलर को और बैट्समैन को भी शॉट बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बॉल ऊपर आ रहा आप कनेक्ट कर सकते हैं, वैसे नहीं है, बट इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वाइंड गेम कॉन्टेस्ट बिटवीन श्रेयस अय्यर एंड डेविड वार्नर, और श्रेयस अय्यर के बारे में तारीफ करी है सबने इंक्लूडिंग अमित मिश्रा कि कैसे बॉलर्स को वो लिबर्टी देते हैं फील्ड सेट करने के लिए, अपना फील्ड लगाइए, आप सोचिए आप बैट्समैन को कंटेन करना चाहते हैं, आप सोचिए बैट्समैन को आप आउट करना चाहते हैं या क्या ट्रैप आप लगाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि श्रेयस अय्यर की जितनी तारीफ करी है आपने ही लिविंग अप टू इट, एंड जो कूल श्रेयस अय्यर को अभी तक हमने देखा है वो एक सोता शेर है, अभी तक उनकी बैटिंग में वो एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस नहीं आई, उस दिन भी हमने देखा ऋषभ पंत मार रहे थे एंड ही गॉट इनटू फॉर्म, तो मे बी टुडे श्रेयस अय्यर के लिए एक अच्छा मौका टू कम एंड बैट स्कोर अ फ्यू क्विक रन्स एटलीस्ट अ हाफ सेंचुरी। बिल्कुल सर, मुझे भी यही लगता है कि श्रेयस अय्यर जो है वो एक सोते हुए शेर की तरह है और मैं चाहूंगा कि आज वो शेर दहाड़े और साथ में अच्छा सा एक स्कोर करे। साथ ही साथ सर मुझे लगता है कि आज हमारा जो मैच हो वो बस एक सुपर ओवर ना हो सर, क्योंकि धड़कने बढ़ जाती हैं, बीपी बढ़ जाता है, एक अच्छा मैच हो बस, मेरी तो सर यही उम्मीद है। नहीं, सुपर ओवर तो अगर बार बार हो जाए तो फिर वो सुपर नहीं होता है, सुपर तो एक बार होता है, अगर ऑलरेडी वी हैव सीन टू सुपर ओवर मैचेस, आई थिंक एक अच्छा कॉन्टेस्ट हो, हाई स्कोरिंग हो, और अगर 170 180 का भी स्कोर एक टीम करती है, क्योंकि अभी भी एक कैप्टनसी का जो है रोल उसमें यही देखने को मिल रहा है ड्यू फैक्टर की वजह से, टीम टॉस जीतने के बाद दे वॉन्ट टू बॉल, दे डोंट वॉन्ट टू बैट, बट
एक मैच में अगर कोई टीम चांस लेना चाहती है वो बात दूसरी है, इफ अ टीम हैज फुल फेथ इन इट्स बैटिंग. सो आई थिंक दैट आई डोंट वांट टू सी अ सुपर ओवर. लेट अस वॉच गुड क्रिकेट, लेट अस वॉच इवन सनराइजर्स कम्पीट वेल. दिल्ली कैपिटल्स फेवरेट है मेरे हिसाब से. और एक लास्ट सवाल, सट्टा मार्केट का क्या प्रेडिक्शन है इस पूरे आईपीएल में अभी तक? सट्टा मार्केट किसको हाइप कर रहा है और सट्टा मार्केट में उतार चढ़ाव कितना है, स्टॉक मार्केट की तरह है या नहीं है? सर, सट्टा मार्केट बिल्कुल उतार चढ़ाव की तरह चल रहा है. और मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि मेरी सूत्रों से जो बात हुई है सट्टा बाजार के, उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को इस बार फेवरेट रखा है टाइटल के लिए भी. तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज है हमारे सबके लिए. चलिए चेतन, ऑन दैट हैप्पी नोट वी विल टेक अ ब्रेक, कम बैक टुमारो. आज का मैच शाम को 7:30 बजे इंडिया टाइम, मजा लेंगे हम एक और बार. उसके पहले लेट अस रेस्ट एंड एंजॉय. बीपी हाई मैं नहीं करना चाहता. थैंक यू चेतन.